नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लॉकडाउन के बीच बिहार में आए दिन पुलिस वालों का क्रूर चेहरा लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच नालंदा के एक ट्रैफिक अधिकारी ने बड़ा काम किया है, मानवता दिखाई है। जी हाँ, और पुलिस वालों की छवि बनाई है कह सकते हैं। दरअसल ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने रक्तदान कर एक गर्भवती महिला की जान बचाने का काम किया है। दरअसल शनिवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक गर्भवती महिला को खून की ज़रूरत थी। ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए उस मैसेज पर अपनी प्रतिक्रिया दी और तुरंत रक्तदान के लिए पहुंच गए। रक्तदान के बाद उन्होंने कहा कि संयोग से उनका भी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, ऐसे में उन्होंने रक्तदान करने का मन बनाया। इससे गर्भवती महिला की ब्लड की ज़रूरत भी पूरी हो गई। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी ने जीवन रक्षक वाहिनी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्था सिर्फ नालंदा जिला में ही नहीं पूरे बिहार में होनी चाहिए। इसकी ज़रूरत है बिहार को, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक इस तरह के जो जीवन रक्षक वाहिनी है पहुँचे और लोगों को समय पर अस्पताल भी पहुँचाया जा सके इस जीवन रक्षक वाहिनी के द्वारा। जी हाँ, तो लोगों को समय समय पर रक्तदान करने की भी उन्होंने सलाह दी और मानवता की मिसाल पेश करते हुए नज़र आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।